असलम फ्रेंड्स मैं हूं नकीीबुल्ला वज़ी दिखान ट्रेवलर की जानब से फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हम बेस करने जा रहे हैं वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों ऐसे कार्ड हैं कि जिसके जरिए से हम एटीएम मशीन में डाल के अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं दोनों कार्डों के अपनी एक लिमिट होती है मुख्तलिफ लिमिट होती है हर एक कार्ड की चाहे वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है लेकिन अहम पॉइंट जो है वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़र्क क्या है असल में फ़र्क यह है कि डेबिट कार्ड जो है उस कार्ड के जरिए से हम अपने अकाउंट से जितना हमारा बैलेंस है उतने ही पैसे निकलवा सकते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड जो है उससे हम अपने अकाउंट में चाहे हमारा बैलेंस जीरो क्यों ना हो तब भी हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं जैसे मेरे पास एक एच बी एल का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ज़रिए से हम आ, मैं निकलवा सकता हूँ एक लाख उनचास हज़ार रुपये चाहे मेरे अकाउंट में पैसे हों या ना हो, तो बैंक मेरे ऊपर एतम करता है लेकिन ये याद रखें कि फिर इसमें अगर आपने बर वक्त उसकी अदायगी नहीं की तो उसमें फिर आपको सूद देना पड़ेगा तो चूंकि सूद इस्लाम में हराम है तो उससे बचने की कोशिश करें या फिर ये इस कार्ड से बनवाने से वो परहेज करें लेकिन अगर आपके पास हो तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं आप ऐसी जगह पे हैं कि आपके पास आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तब भी वो आपको उधार दे देता है लेकिन उसके बाद फिर आपने अपने बैंक को मतलब करना होता है कि जब आपके पैसे हैं तो आप उनसे वो रकम आपने उसकी वो कटवा दें ये हो गई दोनों में फ़र्क तो फ्रेंड्स ये है कि ये एक कार्ड जो होता है उसके ऊपर आगे जो है वो सोलह हिंसे होते हैं चार 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 और चार हिंसे होते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या ई कॉमर्स करेंगे तो उसमें आपको वो चार 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 हिस्से हिंसे जो हैं सोलह डिजिट्स वो आपको डालने पड़ते हैं और एक कहीं पे बाज जगहों पे वो सी बी बी या सी बी सी नंबर होता है आ, कार्ड वेरिफिकेशन कोड जो है सी बी सी नंबर वो तीन हिंसों पे मुश्तमिल होता है अगर वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है तो उस सूरत में इसके पीछे तीन डिजिट्स लिखे होते हैं तो उसकी भी वो ज़रूरत होती है वो भी कहीं डालनी पड़ती है सपोज़ अगर हम बुकिंग डॉट काम से होटल की बुकिंग करवाना चाहें या हॉस्टल की बुकिंग करवाना चाहें या इस कार्ड के ज़रिए से हम एयरलाइन की वो टिकट परचेज़ करना चाहें कुछ भी हो सकता है तो आपने ये से डाल के वो आपसे वो मांगेगा ख़रीदारी के वक्त तो फ्रेंड्स इन दोनों कार्डों के पुश्त पे आ, वो ये वाले निशान होते हैं ये निशान जो है नीचे ये वाले ये अपना एक वो निशान होते हैं या मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये मास्टर कार्ड के या यहाँ इसी जगह पे वीज़ा कार्ड के भी अपने लोगो होते हैं और ये लोगोज जो हैं ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल uh, होते हैं रिकॉग्नाइज होते हैं आप uh, किसी भी मुल्क में जाके वहाँ परचेजिंग uh, कर सकते हैं लेकिन uh, अपने मुल्क से जाने से पहले अपने बैंक uh, में आपने उसको ये बताना है हेड ऑफिस में फ़ोन uh, के ज़रिए से कि मैंने इसके ऊपर कार्ड uh, के मेरी कार्ड uh, जो मेरा कार्ड जो है उसकी मेरी uh, उस ऑप्शन की एक्टिवेशन कर दें कि इसके ज़रिए से मैं ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकूं एक ऑप्शन और दूसरा ये अलग सा ऑप्शन होता है मैं तुर्की गया तो वहाँ पे इस्तंबुल में इस्तिकला स्ट्रीट में मैं पैसे निकलवाना चाह रहा था तो मेरे से नहीं हो पाया वो आ, वो ये गलती मैंने ये की थी कि मैंने अपने बैंक को ये नहीं बताया था कि मैंने वहाँ पे इससे एटीएम से पैसे भी निकलवाने हैं मैंने सिर्फ उनको ई कामर्स का बताया था कि मैंने परचेजिंग करनी है लेकिन आपने अगर ऐसा करना है बाहर जा रहे हैं तो आप दोनों ऑप्शन उससे एक्टिवेट करवा लें कि ई कामर्स का भी हो और वहाँ से फिर ए से पैसे निकलवाने का अलग सा वो ऑप्शन होता है वो भी करवा लें तो चूंकि मेरा आ, सारी ये चीज़ें ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने व्यवर्स को ये बताता चलूँ कि उन्होंने आ, अपना वो कैसे करनी है आ, परचेजिंग और आप अब कोशिश करें कि आपकी जितने भी पेमेंट्स हैं आ, अगर आप पेट्रोल डालते हैं आप किसी होटल में खाना खाते हैं दूसरी रोटी बिल्स हैं स्कूल के बच्चों के फीसें हैं तो जो भी अगर मुमकिन है तो आप अपने कार्ड के थ्रू किया करें क्योंकि फिर वो अगर आप जो बैंक का स्टेटमेंट है वो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ किसी भी एम्बेसी में जमा करवाओगे तो वो इन चीज़ों को देखता है वीज़ा ऑफिसर कि ये इनके पास ये वीज़ा कार्ड है इसका दूसरा ये फ़ायदा भी होता है कि वीज़े ये डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का कि आप अगर किसी भी ए, मुल्क के एयरपोर्ट पे वहाँ पे पहुँचते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि शो मनी मुझे पैसे दिखाओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो कुछ पैसे तो हमारे पास कैश की सूरत में होते हैं बाकी हम फिर वो कार्ड निकाल के वो दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास वीज़ा कार्ड है मास्टर कार्ड है इसके थ्रू मैं यहाँ पे वो पैसे निकलवा भी सकता हूँ और चीज़ें खरीद भी सकता हूँ तो वो मुतमयन हो जाता है तो बस आज इतना ही जो वीवर इस चैनल पर नए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें आ, मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके आपके सामने आ, अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो आज इतना ही काफ़ी है तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज